वेलकम टू न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट यूटीएम बिल्डर्स या फिर आप उसे कह सकते हो कैंपेन बिल्डर देखो जब भी आप गूगल एड्स रन करते हो और जैसा कि आपको याद है कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि गूगल एड्स और हमने अपने गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट किया था ताकि हम सारा डेटा गूगल एड्स का गूगल एनालिटिक्स के अंदर देख सकते तो यहाँ पे एक डेमो एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर हूं मैं आप यहाँ पे जैसे अगर जाके देखोगे यहाँ पे गूगल एड्स का आपको ऑप्शन दिखता है है ना तो जो भी आप गूगल एड्स का डेटा है वो यहाँ पे देख सकते हो ठीक है इसके अलावा अगर आप यहाँ गूगल एनालिटिक्स के अंदर मैं हूं यहाँ एक्विजिशन के अंदर आप अगर ऑल ट्रैफिक के अंदर सोर्स मीडियम देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आया है क्या वो फेसबुक से आया है या वो गूगल एड से आया है या वो किसी और नेटवर्क से आया है तो वो सारा आप यहाँ पे ब्रेकअप देख सकते हो अब देखो होता क्या है कि बहुत बार गूगल एनालिटिक्स जो है वो ट्रैफिक का सोर्स बड़े सारे रीजंस की वजह से सही से पता नहीं कर पाता राइट गूगल एनालिटिक्स को पता नहीं चल पाता कि भैया ये जो ट्रैफिक आ रहा है वो एग्जैक्टली आ कहां से रहा है तो होता क्या है कि कई बार

ऐसा गूगल एड्स के साथ भी हो सकता है अगर आप गूगल एड्स रन करो ट्रैफिक आप गूगल एड्स से भेज रहे हो बट कई बार ये जो सोर्स और मीडियम सेक्शन है यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं कैंपेन यू बिल्डर ठीक है कैंपेन यू बिल्डर अब जब भी आप कैंपेन यू बिल्डर यूज करते हो तो होता क्या है जो आपका यू है ना उसके एंड में कुछ चीजें लग जाती हैं सोर्स मीडियम कुछ अलग अलग चीजें लग जाती हैं जिसकी वजह से गूगल एनालिटिक्स को यह पता चल जाता है कि ट्रैफिक आ कहां से रहा समझे बात को तो ये है आपका कैंपेन यूआरएल बिल्डर अभी कैंपेन यूआरएल बिल्डर पता कैसे यूज कर सकते हो तो देखो तो अभी देखो मैं एक डेमो अकाउंट में हूं आपका ये आ, गूगल का डेमो अकाउंट है गूगल शॉप का डेमो अकाउंट है सो तो हम इस अकाउंट में देखेंगे कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है कैसे हम इसमें यू बिल्डर यूज कर सकते हैं तो देखो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपको अपने उस वेबसाइट का यू लिखना है जहां पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते ठीक है।, है तो आप जिस यू पे भी ट्रैफिक भेजना चाहते हो सबसे पहले आपको वो यूआरएल लिखना है तो सपोज मैं यहां पे लिखता हूं ठीक है सपोज इस यू आर एल में मुझे ट्रैफिक भेजना है तो ये मेरा हो गया वेबसाइट यू आर एल दे कहा से भेज रहे हो क्या आप फेसबुक से भेज रहे हो क्या आप गूगल से भेज रहे हो क्या आप ई मेल से भेज रहे हो कहां से ट्रैफिक भेज रहे हो है ना तो अब जहां से भी ट्रैफिक भेज रहे हो वो लिखोगे तो सपोज मैं भेज रहा हूँ गूगल से तो मैं लिखूंगा गूगल ठीक है अब एक चीज आपको ध्यान रखना है यहां गूगल मैंने ऑल स्मॉल में लिखा है ऑल स्मॉल तो आपको जब भी आप यू आर एल बिल्डर यूज करोगे तो मेक श्योर sure कि जो आपका सोर्स है जो मीडियम है जो जो चीजें हैं वो कंसिस्टेंट है मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते कि इस वाले यू आर एल के लिए मैं सोर्स रख रहा हूं गूगल स्मॉल में और किसी और यू आर एल के लिए मैंने सोर्स रख दिया गूगल कैप्स में तो फिर होगा क्या गूगल एनालिटिक्स में दोनों चीजें अलग अलग नजर आएंगी है ना तो आपको मेक श्योर sure करना है कि आप सोर्स रख रहे हो सेम या तो ऑल कैप्स रखो या ऑल स्मॉल रखो आप चेंज मत करो देन हम रखेंगे कैंपेन मीडियम ठीक है अब ट्रैफिक तो गूगल से आ रहा है बट क्या मीडियम है क्या ये डिस्प्ले एड है क्या ये सर्च एड है क्या है कहां से आ रहा है क्या ये यूट्यूब एड है तो से हमारा सर्च एड है तो मैं यहां पे लिख दूंगा सर्च एड राइट तो कैंपेन सोर्स क्या हो गया गूगल और कैंपेन मीडियम क्या हो गया सर्च ऐड देन कैंपेन नेम अब हो सकता है ना आप मल्टीपल कैंपेन रन कर रहे हो है ना तो कौन से कैंपेन से ट्रैफिक आ रहा है तो आपको उस कैंपेन का नाम लिखना है ठीक है तो सपोज मैं दिल्ली में कैंपेन रन कर रहा हूं और आ, 18 से 24 वालों को रन कर रहा हूं तो सपोज मैंने यहां पे लिख दिया दिल्ली 1824 राइट तो आप कुछ भी लिख सकते हो कैंपेन नेम जस्ट एक वो आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपका कैंपेन किस चीज के लिए है वो आपको बताना होता है देन कैंपेन टर्म राइट अब आप और थोड़ा सा ग्रेनुलर जाना चाहते हो आप ये भी पता करना चाहते हो कि ये किस की से ट्रैफिक आया है है ना तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे और अपने की या बाकी चीजें लिख सकते हो ठीक है अगेन ये अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ पे लिखना कैंपेन टर्म क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर होगा उसे पता चल जाएगा कि आप किस की से ट्रैफिक भेज रहे हो राइट right? सिमिलरली कैंपेन कॉन्टेंट सपोज करो आप मल्टीपल कैंपेन रन करो अलग अलग आप एक कैंपेन के अंदर आपने मल्टीपल एड्स बनाई है तो यहाँ पे आप अलग अलग कॉन्टेंट अलग अलग की वर्ड यूज कर सकते हो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस एड से ट्रैफिक आ रहा है ठीक है आप देखो यहाँ पे तीन चीजें मैंडेटरी थी पहला था सोर्स दूसरा था मीडियम तीसरा था कैंपेन नेम टर्म और कॉन्टेंट इज नॉट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं सोर्स मीडियम और कैंपेन नेम हमें जरूर रखना है और जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो आपको ये यू दिख रहा है बड़ा सा है ना तो ये यू लेना है कॉपी ठीक है और उसके बाद जब भी आप गूगल में कोई भी एड मतलब हम गूगल एड्स में आए सपोज करो मैं नया एड बना रहा हूँ या नया नहीं बनाता मैं एग्जिस्टिंग को चेंज करके दिखा देता हूँ वो काम जल्दी हो जाएगा तो सपोज ये मेरा कैंपेन है और आ, इसके अंदर मेरी एड होगी कोई एड्स एंड एक्सटेंशन पे जाता हूँ और से इसको एडिट करता हूं अब देखो ये जो यू आ रहा है ना फाइनल यू आप देख पा रहे हो इसमें आप ये डालोगे ठीक है ये ग्रीन आ रहा है क्योंकि मैंने ये नहीं यूज किया ठीक है वो अब आप यहां डालोगे अब होगा क्या जैसे कोई इसको खोलेगा यहां पे तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आ रही है सोर्स भी पता चल रहा है मीडियम भी पता चल रहा है और कैंपेन का नाम भी पता चल रहा है तो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आप अपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर सोर्स एंड मीडियम के अंदर देख सकते राइट बिलीव मी ऑन दिस ये करना बहुत 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 जरूरी है ताकि आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर डेटा सही से ट्रैक कर सकते हो मैं मैं बताता हूं आपको इसकी जरूरत तो क्यों पड़ेगी सपोज करो आप बस एक ट्रैफिक सोर्स से ट्रैफिक भेज रहे हो तब तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको पता चल जाएगा कि भैया सारे ट्रैफिक एक जगह से ही आ रहा है कन्वर्जन वहीं से आ रही होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट अगर आप ट्रैफिक भेज रहे हो मल्टीपल सोर्सेस से आप गूगल से भी भेज रहे हो फेसबुक से भी भेज रहे हो और भी बड़े जगह से भेज रहे हो देन आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाएगा कि भैया कौन सा ट्रैफिक है जो कन्वर्ट हुआ कौन सा नहीं हुआ है ना डेटा सारा मिसमैच हो जाएगा उस केस में ये बहुत ही बहुत ही जरूरी है कि आप यू आर एल बिल्डर्स को यूज करिए ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है किस कैंपेन से आ रहा है किस की वर्ड से आ रहा है अगर आप ज्यादा ग्रेनुलर होना चाहते हो और आप सारी चीजें वहां ट्रैक कर सकते हो राइट right? तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं जो आ, यूज हो रहा होगा अगर लोग कोई कर रहे होंगे तो मैं सपोज करो ये ट्राई करता हूं इनकेस ये अगर ये काम कर रहे हो देखो ये जो मैंने क्लिक किया है यहाँ पे ये नहीं हो रहा है ना ये जो आप लिंक देख रहे हो यहाँ पे यू आई डी यहाँ पे यू आर एल है और ये आ गया जी सी एल आई डी जीसीएल आई डी इज गूगल क्लिक आइडेंटिफायर राइट तो जो भी आप गूगल सर्च एड रन करते हो उसमें ये बाय डिफॉल्ट लगा देता है अब देखो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है आगे देखो ये क्या आ रहा है कॉन्टेंट इज इक्वल टू कॉन्टेंट सोर्स इज इक्वल टू गूगल एंड कैंपेन इज इक्वल टू ये मतलब ये लोग क्या यूज कर रहे हैं याद है आपको कैंपेन बनाते समय हमने ये दिखा था दिस वन ट्रैकिंग टैंपलेट तो ये लोग ट्रैकिंग टैंपलेट यूज कर रहे हैं है ना हम मैंने आपको ट्रैकिंग टैंपलेट यूज करना सिखाया था तो आप ट्रैकिंग टैंपलेट भी यूज कर सकते हो अगर ये यू बिल्डर यूज कर रहे होते तो जीसीएल से पहले यू बिल्डर आता यू बिल्डर इसके बाद आ जाता राइट बट यहां पे ये यूज नहीं कर रहे इसलिए आ नहीं रहा हम एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर यूज हो रहा हो सी अर्बन प्रो का देख लेते हैं अगेन देखो यहां पे भी नहीं आ रहा है ना यहाँ पे भी ये लोग यूटीएम बिल्डर यूज नहीं कर रहे तो लेट सी सुलेखा पे आ रहा हो सुलेखा पे भी यूटीएम बिल्डर यू आर एल बिल्डर यूज नहीं हो रहा राइट बट आप और देखोगे कहीं की वर्ड पे एक बार ये पे देख लेते हैं मे बी यहाँ यूज हो रहा अब देखो ये ध्यान से देखो अप का ऊपर देखो क्या आ रहा है सॉरी, ये ये देखो आपको बताया था बाई डिफॉल्ट गूगल लगा देता है क्लिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बट उसके पहले ये जो यूज कर रहे हैं दैट इज यूटीएम बिल्डर राइट और आपने सीख भी लिया कि आप यूटीएम बिल्डर क्रिएट कैसे कर सकते हो और आप उसको यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है जी तो मेक श्योर की आप यूटीएम बिल्डर्स यूज कर रहे हो ताकि आपके पास और ज्यादा ग्रेनुलर इंफॉर्मेशन और ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आ सके गूगल एनालिटिक्स ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग